और चलिए अब रुख करते हैं अगली जानकारी का। बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें, आय से अधिक संपत्ति के मामले में आज सजा का ऐलान ओपी चौटाला पर किया जाएगा। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट दरअसल सजा सुनाएगी, जिसको लेकर बीते दिन हमने देखा था कि किस तरह से बहस कई घंटे हुई थी। बहरहाल अब 2 बजे का इंतजार है, जब दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला पर आय से अधिक संपत्ति के मामले में सजा का ऐलान करेगी। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट दरअसल आज दोपहर 2 बजे यह फैसला सुनाएगी। इस फैसले से ना सिर्फ आज बल्कि इनेलो पार्टी का कल भी जुड़ा हुआ है, इसलिए आज से बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी। आज दोपहर 2 बजे कोर्ट में सजा को लेकर ऐलान किए जाने की जानकारी है। और स्पर्श शर्मा हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ जुड़ गए। स्पर्श, आज का दिन इनेलो पार्टी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, इस फैसले के साथ ना सिर्फ आज इनेलो का बल्कि कल भी जुड़ा हुआ है। देखिए, आज ओम प्रकाश चौटाला की आज सजा पर फैसला आता हुआ नजर आएगा राउज एवेन्यू कोर्ट में। 2 बजे इस मामले पर आज फैसला जो है कोर्ट के जज जो है सुनाते हुए नजर आएंगे। कल के दिन सजा को लेकर बहस जो है होती हुई नजर आई थी, जिसमें ओम प्रकाश चौटाला के वकील की बात की जाए या फिर सीबीआई के वकील की बात की जाए, दोनों की तरफ से अपनी अपनी तरफ से दलीलें जो है वहां पर रखी गई थी। और एक तरफ जहां सीबीआई के वकील चाहते थे कि ओम प्रकाश चौटाला को ज्यादा से ज्यादा सजा जो है मिलनी चाहिए, इसके लिए उन्होंने तमाम दलीलें दी, जिसमें उन्होंने कहा कि ओम प्रकाश चौटाला एक बड़े नेता है, अगर उन्हें कम सजा दी जाएगी तो समाज पर इसका जो है गलत असर जो है पड़ता हुआ नजर आएगा। तो इसी तरीके से ओम प्रकाश चौटाला के वकील की तरफ से भी कई दलीलें दी गई थी। तो ऐसे में फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। और आज दोपहर 2 बजे अगर इनेलो के यानी बात की जाए सीधे तौर पर, ओम प्रकाश चौटाला के खिलाफ फैसला आता है तो इनेलो के भविष्य को लेकर जो है कहीं ना कहीं वहां पर जो चुनौतियां हैं वो जो है खड़ी होती हुई नजर आएंगी। स्पर्श, जब बहस का दिन यानी कल था तो दोनों ही तरफों से अपने अपने दांव लगाए गए। एक तरफ जहां ओपी चौटाला की ओर से दिव्यांगता का हवाला दिया गया, स्वास्थ्य का हवाला दिया गया, उम्र का भी एक फैक्टर निकलकर सामने आया। लेकिन जब जनता टीवी ने खास बातचीत की सीबीआई के वकील से तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इसका लाभ उन्हें मिलने वाला नहीं है। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर इसका लाभ उन्हें नहीं मिलने वाला है, ये सीबीआई के वकील की तरफ से दलील दी गई थी। और इसके पीछे एक आ गया कि जब ये पूरा प्रकरण हो रहा था 1996 में, तब ओम प्रकाश चौटाला की उम्र भी जो है कम थी और तभी से है इस पूरे मामले को जो है कंसीडर जो है किया जाना चाहिए। इसके साथ में अगर हम बात करते हैं कि जिस तरीके से एज फैक्टर की बात हो रही थी, या फिर कहें कि एक और मामले में जिस तरीके से ओम प्रकाश चौटाला के वकील ने बताया कि इस तरह के मामलों में जो जो आरोपी होते हैं उनको कम सजा दी जाती है, तो सीबीआई के वकील की तरफ से साफ तौर पर कहा गया कि चूंकि उन मामलों में जो आरोपी थे उनके ऊपर उनका परिवार जो है कहीं ना कहीं आश्रित था, इसलिए जो है इस तरीके से जो है कम सजा दी गई थी। लेकिन ओम प्रकाश चौटाला के जो बेटे हैं वो पूरी तरीके से जो है सक्षम है, अपनी जो है अच्छी जो है वो कमाई जो है करते हुए नजर आ रहे हैं, इसलिए इस मामले को जो है उन मामलों के साथ जो है कंसीडर नहीं किया जा रहा। कहीं ना कहीं अब इंतजार आज दोपहर 2 बजे का करना होगा, जब सजा का ऐलान किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया स्पर्श इस तमाम बातचीत के लिए और जानकारी के लिए।